यूपी वाले योगी आदित्यनाथ का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भले कोई लेना देना ना हो, लेकिन कोई और योगी है जिसका एनएसई से बहुत जबरदस्त लेना देना है। और तो और ये वाले योगी कहीं दिखते भी नहीं, बल्कि सिर्फ ईमेल पर हुक्म देते हैं। ये क्या चक्कर है, बात करेंगे आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो मैं चाहता हूं आप प्रमोशन वाले सीजन के बारे में एक मिनट के लिए सोचिए। प्रमोशन वाले सीजन में लोग क्या क्या करते हैं? कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कोई कुछ सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग कर रहा है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है नए एम्प्लॉयज को, कोई अपने बॉस के आगे पीछे लगा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कैसा हो अगर आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत ही ना पड़े? कैसा हो अगर कहीं दूर से, किसी हिमालय की गुफा से, आपके बॉस को एक योगी का ईमेल आ जाए? हिमालय से ईमेल आ रहा है माइंड यू। तो उस ईमेल में वो योगी आपके बॉस को हुक्म दे कि आपको प्रमोशन दिया जाना चाहिए और फिर आपको प्रमोशन भी मिल जाए। शायद ऐसा अगर एक बार हो जाए तो आपको लगे कि ये कोई सपना होगा, लेकिन अगर ऐसा हर साल हर प्रमोशन साइकिल में हो तो इससे पहले के आपको लगे कि आज हम मजाक के मूड में हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है और वहां हमारे सिटीजन्स के, फेलो कंट्रीमैन के करोड़ों रुपए इन्वेस्टेड हैं। ऐसे में वहां अगर ये सब सर्कस चल रहा है तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक होने के, चोरी होने की भी हाई रिस्क है। तो वैसे तो ये सब मजाक की बात लगती है, लेकिन आप इसे हल्के में ना लें, इससे इस जो पूरा किस्सा है उसके बारे में और बताएंगे अभिषेक। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने न्यूज फॉलो की होगी कुछ दिनों में, खासतौर पे बिजनेस न्यूज़पेपर में, कि एक योगी एनएससी का बार बार नाम आ रहा है कि कोई योगी जो एनएससी को चलाता था, तो उस बारे में आधा मैंने भी कई पढ़ा योगी एनएससी के बारे में, तो मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ कि किस योगी की बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ की बात तो नहीं हो रही जो यूपी का सीएम है। जब मैंने ये न्यूज देखा, सर्च किया कि जैसे किसी की क्या है ये, तो मुझे पता पड़ा कि जो एनएससी की उस समय की जो सीईओ एंड एमडी थी चित्रा रामाकृष्णन, इन्होंने फर्स्ट अप्रैल 2013 को एज सीईओ एंड एमडी ज्वाइन किया था एनएससी को, और 2 दिसंबर 2016 तक वो एमडी एंड सीईओ थी। वो अपने सारे डिसीजन एनएससी से रिलेटेड एक बाबा से पूछ के लेती थी। वो बाबा कौन है, क्या है, किसी को नहीं पता। मेल पे इंस्ट्रक्शन मिलती थी, मेल पे एडवाइस देती थी, उससे वो सारे अपने डे टू डे वर्क के, आगे के फ्यूचर प्लानिंग के वो डिसीजन लेती थी, हम आगे इस पे कवर करेंगे। तो ये काफी एक शॉकिंग थी आपको, पहले तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी कि ये क्या हो रहा है। तो हम डिटेल में आते हैं। उसको पहले बता दो एनएससी है क्या। एनएससी स्टॉक मार्केट है, जहाँ पे एक बाजार है जहाँ पे स्टॉक्स की लेन देन होती है, खरीदते बेचते हैं। अब एनएससी का मैं साइज बता देता हूँ कि क्यों इतना बड़ा, एनएससी कितना बड़ा है। अगर हम डेरिवेटिव मार्केट की बात करें, जो कि एक वायदा बाजार जिसको बोलते हैं, उसकी बात करें तो इसमें अगर आप देखें कि जितना ट्रेड होता है, जितने रोज सौदे होते हैं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा सौदे डेरिवेटिव मार्केट में एनएससी में होते हैं। सबसे बड़ा मार्केट है डेरिवेटिव का एनएससी पूरी दुनिया का, और टोटल ओवरऑल कैश की डेरिवेटिव दोनों की बात करें तो दुनिया का चौथा नंबर सबसे बड़ा बाजार है एनएससी में रोज 49 करोड़ ट्रांजेक्शन होते हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 64,000 करोड़ रुपए है। ये रोज ट्रांजेक्शन की वैल्यू। अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें, इंडिया की जीडीपी लगभग $3 trillion है। एनएससी का साल भर का हम टर्नओवर देखें, जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी वैल्यू देखें, तो वो $3 trillion से भी ज्यादा है, $3.6 trillion यानी इंडिया के जीडीपी से भी ज्यादा के वहाँ पे उसका टर्नओवर है एनएससी का। एनएससी की जो सीईओ थी चित्रा रामाकृष्णन, ये इसकी फाउंडिंग मेंबर भी थी। 5 लोग थे जिनको जिन्होंने एनएससी की पूरी एक फाउंडिंग स्टोन रखा। जब 1991-92 में बीएससी था, उस समय जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, तो गवर्नमेंट को लगा कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक फेयर एक मार्केट होना चाहिए जहाँ पे लोगों की ट्रेडिंग हो सके। जब हर्षद मेहता का जब स्कैम हुआ था, तो उस समय बीएससी के कुछ बड़े जो ब्रोकर थे वही चलाते थे, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने के लिए एनएससी
कि उस समय सरकार ने बैंकों को बोला कि आप, कई बैंकों को बोला जैसे इसमें से SBI भी था, कि आप सब मिलके आइए और एक मार्केट बनाइए। तो उस समय जो 5 फाउंडिंग मेंबर थे उसमें से चित्रा रामाकृष्णन भी थी, इनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इन्होंने 1 अप्रैल 2013 को MD & CEO अपॉइंट हुआ था, इनको किया गया था NSE का, और ये 2 दिसंबर 2016 तक MD & CEO रही थी। उस समय इनको, उस समय जब 2016 में इनको हमने पोस्ट से हटा दिया गया था क्योंकि काफ़ी इनरेगुलरिटी मिली थी इनके कामों में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे, ट्रांसपेरेंसी के इशू थे, तो उसके चलते हुए इनको NSE बोर्ड ने इनको MD & CEO के पोस्ट से हटा दिया था। अब जो इनरेगुलरिटी हो रही थी इनके टेन्योर में, तो उसकी जांच के लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन सेबी ने की। सेबी एक रेगुलेटरी और इन्वेस्टिगेशन बॉडी है स्टॉक मार्केट के लिए, सबको पता होगा। उसने इन्वेस्टिगेशन की, 6 साल पूरी इन्वेस्टिगेशन चली 2016 से लेकर 2022 तक, और पिछले शुक्रवार को सेबी ने 190 पेज की रिपोर्ट सबमिट की है। उसमें कई एक चौंकाने वाले उसमें फाइंडिंग्स थी उस रिपोर्ट की। उसमें ये कहा, उसमें बेसिकली जो रिपोर्ट में है, 190 पेज की रिपोर्ट है, उसमें ये कि जो चित्रा रामाकृष्णन है थी MD & CEO, वो एक बाबा की एडवाइस देती थी, QP की एडवाइस लिया करती थी। अपने पूरे 20 साल की करियर में, पिछले 20 साल से उनकी एडवाइस ले रही थी। अब ऐसा उसमें रिपोर्ट में कहा है कि वो कभी उनसे मिली ही नहीं है। उनका ये कहना था जो उसकी MD & CEO थी कि पूछा गया कि बाबा कैसे दिखते हैं, कौन है, तो बड़े मुझे नहीं पता, वो बड़े, वो एक शारीरिक रूप में है ही नहीं, वो दिव्य शक्ति है। उनका ये सेबी को उनका ये आंसर है, वो कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हो बाबा। एक email ID है, उस email ID पे वो मेल भेजा करती थी और उनसे एडवाइस लेती थी। उनसे जब पूछा गया कि बाबा ये रहते कहाँ पे, तो बोले हिमालय में कहीं है, वो तब कर रहे। सेबी ने उनसे पूछा कि हिमालय में रहते हैं तो वहाँ पे नेट कनेक्टिविटी कैसे आती हुई, कैसे आपसे ईमेल पे रिप्लाई करते हो। तो उनका जो जवाब था सेबी को, जो सेबी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो ये था कि वो तो एक दिव्य शक्ति है, एक योगी है, उनको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। अब किस तरह की इन्फॉर्मेशन वो शेयर करती है, जो NSE की डे टू डे एक्टिविटी है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वो उस email ID पे सेंड करती थी, उससे बाबा से एडवाइस देती थी, बाबा का रिप्लाई भी आता था योगी का। उसमें ये कि जैसे आज बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या होना चाहिए, क्या उस बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए, ये एडवाइस लेती थी। बाबा बताता था कि आपको ये बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करना चाहिए। NSE के पूरे 5 साल का जो उनका प्लान था, उनके जो प्रोजेक्शंस थे, वो सब उन्होंने उनके साथ शेयर किए हुए। डिविडेंड पे आउट कितना मिलेगा वो शेयर किए गए, कितना रेवेन्यू आएगा नेक्स्ट 5 साल में, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूरी शेयर की हुई है email ID पर। इवन एम्प्लॉयज के अप्रेजर, किसको कितना अप्रेजर मिलना है, कितना इंक्रीमेंट मिलना है, वो सब वो बाबा डिसाइड करते थे। बाबा बताते थे कि सिंप्लॉय कितने थे। इसी बाबा ने एक आनंद सुब्रमण्यम थे, जो कि किसी दूसरी PSU में काम करते थे, उनके कहने पे आनंद सुब्रमण्यम को चित्रा रामाकृष्णन ने CSO अपॉइंट किया। आनंद सुब्रमण्यम जिस कंपनी में काम करते थे उसमें उनका पैकेज था 15 लाख साल का। उस बाबा के कहने पे, उस योगी के कहने पे उन्होंने उन्हें NSE का चीफ स्ट्रेटजी का ऑफिसर बनाया और उनको पैकेज दिया 1.38 करोड़ का, जो कि 9 टाइम ज्यादा था उनके एग्जिस्टिंग पैकेज। उनको कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, NSE में उन्होंने कभी काम नहीं किया था, दूसरी किसी PSU में, वो एक मिड लेवल के एम्प्लॉय थे। वो उसके साथ उनको हर साल इंक्रीमेंट भी मिला गया, 10-20% का इंक्रीमेंट मिला इसके बाद 1.38 करोड़ पे। उन्हीं बाबा कहने पे उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आनंद सुब्रमण्यम को कि वो वीक में क्या 3 दिन काम कर सकते हैं। NSE की जो पूरी वर्किंग थी 5 डेज वर्किंग रहती है, 5 दिन मार्केट चलता है। उन बाबा के कहने पे उन्होंने बोला कि आप 3 दिन काम कर, उनको बोली कि आप 3 दिन काम करें और बाकी 2 दिन फ्लेक्सिबल थे, जब अगर उनकी जैसा ही मन करेगा उसे बाकी 2 दिन काम करेंगे। अब इन सब चीज़ों में अब इशू कहाँ है इसमें, इसके पहले मैं बताऊँ कि इशू कहाँ है। इसमें बता दूँ कि जो चित्रा रामाकृष्णन थी उस समय जब ये NSE की CEO थी, कितनी पावरफुल लेडी थी। 2013 में फोर्ब्स मैगजीन में उन्हें बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का एक अवार्ड दिया था। 2013 में ही जो फोर्ब्स मैगजीन की जो मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन की लिस्ट आती है उसमें उनकी वर्ल्ड में रैंकिंग 17th नंबर पे थी। अब हम आए कि अब इसमें सब इशू कहाँ पे आ रहा है। अब इसमें 2-3 इशू आ रहे हैं।
मेरा एक तो इशू ये है कि एनएससी की वर्किंग पे अगर आप किसी भी कंपनी में एक हायर पोस्ट पे रहते तो एक कॉन्फिडेंशियल एक एग्रीमेंट साइन करते कि मेरे पास कंपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो मैं किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करूँगा। यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, पूरी पूरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक थर्ड पार्टी से शेयर की है, उसे एडवाइस ली। यहाँ पे एक पॉइंट में और एक पॉइंट में और ऐड करूँ अभिषेक, बहुत सी कंपनीज में ये जो ईमेल बाबा का उन्हें आता था हिमालय से, वो ईमेल भी outlook.com से आता था, और बहुत सी कंपनीज में किसी थर्ड पार्टी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के ईमेल्स आपके इनबॉक्स में आते ही नहीं, डिलीवर ही नहीं होते। इनबॉक्स इज मेंट फॉर ओनली इंटरनल ईमेल्स, जो आपके कंपनी के डोमेन पे एंड होते हैं वही ईमेल से ईमेल आते हैं। तो ये एक किसी थर्ड पार्टी से ईमेल आ रहा है और उसके साथ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जा रही है। राइट, ये जैसे बताया कि कई बैंक्स में होता है, जो बैंकिंग का ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है जिस डोमेन पे काम कर, वहाँ पे आप थर्ड पार्टी को ना मेल भेज सकते ना मेल आ सकते हैं। आपको मेल भेजना है तो आप एक हायर अथॉरिटी की परमिशन लेते हैं कि हमें इस काम के लिए हमें एक्सेस चाहिए कि हम एक्सटर्नल मेल भी यूज कर सके, रिसीव कर सके या सेंड कर सके, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, इतने लोगों का पूरा फाइनेंशियल डाटा है, तो वो सब डाटा उन्होंने पर शेयर किया है। दूसरी एक जो है कि जिस तरह की इनरेगुलरिटी आप मिलकर आप किसी को भी अपॉइंट कर रहे, जैसे आनंद सुब्रमण्यम को सीएसओ अपॉइंट किया था, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। आप एक बाबा के कहने पे, योगी के कहने पे किसी को भी अपॉइंट कर रहे हैं, कुछ भी पैकेज दे रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी का इशू है। उसके बाद सबसे बड़ा जो इशू है, एनएससी कल से बताया कि रोज यहाँ पे 49 करोड़ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ये ट्रांजेक्शन क्या है? आपका हमारा पैसा है, हम जो ट्रेड करते हैं। तो ऐसा मार्केट जहाँ पे इतना बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आपको हमारा पैसा ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे इस तरह की इनरेगुलरिटी काफी सीरियस इशू एड्रेस करती है। अब देखिए, इन्वेस्टर होते हैं जो दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक तो इन्वेस्टर होते हैं कि जिसने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, उसका पर्पस है लॉन्ग टर्म के लिए कि मैं यहाँ 2 या 3 साल 4 साल 5 साल बाद में देखूंगा, मैंने खरीद के रख लिया है, उसके बाद मैं देखूंगा कि 4 साल 5 साल बाद मुझे कितना इस पे गेन मिला है, उसके बाद फिर मैं इसको बेचना है, जो भी करना है वो मैं करूंगा। दूसरे जो एक होते जो इन्वेस्ट करते होते ट्रेडर्स होते, जो रोज खरीदते बेचते या आज खरीदेंगे कल बेचेंगे, इस तरह के ट्रेडर्स होते जो रोज ट्रेडिंग करते हैं। आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक मार्जिन पे करना पड़ता है, वो मार्जिन कौन डिसाइड करता है? हर ट्रेड पे जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया उस पर एक मार्जिन ट्रेडर को पे करना पड़ता है। ये मार्जिन किसी भी ट्रेडर के प्रॉफिट एंड लॉस में काफी एक बड़ा पोर्शन रहता है, एक काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। अब ये मार्जिन एनएससी डिसाइड करता है, एनएससी डिसाइड करता है कि कितना मार्जिन आपको जो ट्रेडर है उससे चार्ज करना है, वो एनएससी डिसाइड करता है। इस तरह के डिसीजन भी, कितना मार्जिन चार्ज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी किसी एक योगी से एडवाइस लेके उनकी सीईओ एमडी ने डिसाइड किया है। तो काफी है कि एक जो बोले कि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू बोले या एक फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का इशू बोले, वो एक इशू है। इसके साथ साथ जो सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की, 6 साल उनको लगे काफी मेहनत करके इन्वेस्टिगेशन की, कोई 190 पेज की रिपोर्ट है। अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो कई कई ऐसे पॉइंट है, आपको हंसी भी है, काफी सीरियस इसमें पॉइंट्स है। बट सेबी की लिमिटेशन थी, सेबी केवल जो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है वो मार्केट के अंदर ही कर सकता, मार्केट के बाहर जाके ही नहीं कर सकता। अब ये पता करना जरूरी है कि ये जो योगी है एक्चुअल में है कौन, ये ईमेल भेज रहा है, आपके इसके आईपी एड्रेस आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि ईमेल किस सब से कहाँ से भेजा गया है, पर वो सेबी के पावर में नहीं था। तो एक बड़ी अथॉरिटीज का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहां से सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है, तो सीबीआई फाइंड करेगा कि आखिर में ये था कौन, जो व्यक्ति जो एक्चुअल में जो सब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एनएससी की जिसके पास जा रही थी उसको क्या यूज करा था, किस तरह से यूज करा था, उसकी प्रोफाइल क्या है, क्योंकि काफी जरूरी है। क्योंकि एक इनसाइड ट्रेडिंग भी होती है, इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है कि कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है, मेरे पास किसी कंपनी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है बट मैं वो शेयर नहीं कर सकता हूँ, ना उस इन्फॉर्मेशन मेरे पास कुछ पता है कि सपोज कोई एक्स कंपनी है, मुझे पता है कि इसका कर रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, 50% का प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगा, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता है और मैं जाके मार्केट से शेयर खरीद लेता हूँ, मुझे पता है कि ये जब मार्केट में कर ये जब ऑफिशियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी उसमें पता पड़ेगा 50% का प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, तो शेयर के प्राइस काफी बढ़ेंगे,
तब मैं जाके मार्केट में बेच दूंगा, तो मैं आज खरीदूंगा मैं तो कल बेचूंगा, तो इसको इनसाइड ट्रेडिंग बोलते हैं। या मैं इन्फॉर्मेशन दूसरे को पास करूंगा कि मेरे पास कंपनी की इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो कंपनी के टॉप मोस्ट जो अथॉरिटीज उनको ही पता है, जिसका मैं यूज करके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो ये इनलीगल है, ये होना नहीं चाहिए। तो ये बाबा योगी कौन था जिसके पास एनएससी की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो बिल्कुल टॉप एग्जीक्यूटिव्स पास होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन थी? क्या वो उसको इनसाइड ट्रेडिंग यूज करता था? तो ये काफी एक एक एक, एक वास्ट स्कोप है। जैसे मेरा सेबी की लिमिटेशन है, सेबी जितनी लिमिटेशन की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, अब आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी जांच करेगी। जैसे सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है, आईटी ने, ईडी ने, इन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। सेबी ने अपना काम कर दिया, इनिशियल फाइंडिंग कर दी है। सेबी जो कर सकता था उन्होंने फाइन लगा दिया है चित्रा रामाकृष्णन पे 3 करोड़ का और आनंद सुब्रमण्यम पे 2 करोड़ का फाइन लगाया है, 2-3 साल के लिए बैन कर दिया एनएससी में या किसी भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए। अब देखते हैं कि आगे आगे क्या पता पड़ेगा। काफी इंटरेस्टिंग एक न्यूज थी जो मैं लगा मैं आपके साथ शेयर करना चाहिए। आगे जो भी इस पर हम अपडेट रहेगी, जो सीबीआई की फाइंडिंग होगी, तो पता पड़ेगा काफी ये योगी कौन था, तो हम वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर। और हमारे शेयर करने के साथ साथ आई एम प्रीटी श्योर इस पर आगे चल के कोई वेब सीरीज बनेगी या कोई मूवी बनेगी जो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये है ही इतना गजब का टॉपिक और इतना गजब का पूरी स्टोरी कि ये इट लुक्स लाइक इट इज राइट आउट ऑफ बॉलीवुड। तो इस बार के कौन-कौन आप जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ये तो आपको लगेगा कि ये आप किसी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आप डिटेल में जाके पढ़िए, नेट पे पूरी कोई डिटेल्स है, काफी इंटरेस्टिंग है और पूरा एक वेब सीरीज, एक अच्छी एक हिट वेब सीरीज बन सकती है, जो कि जैसा मैंने कहा शायद आगे चल के बनेगी भी। खैर इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।